जगत में आए दिन कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, तो चलिए आज हम आपको एंटरटेनमेंट की टॉप की बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर बॉलीवुड सेलेब से लेकर आम जनता तक ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। हर किसी ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। वहीं अब बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने भी कोलकाता में अपने कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया है। जी हां, सिंगर ने इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी है। टीवी का सबसे पॉपुलर शो अनुपमा इन दिनों खूब सुर्खियों में है। सुधांशु पांडे ने शो को छोड़ दिया है और अब रूपाली गांगुली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि वो शायद उन्हीं की तरफ इशारा कर रही हैं। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर साजिद खान ने मुंबई के जुहू एरिया में अपना अपार्टमेंट बेच दिया है। उन्होंने 6.1 करोड़ की कीमत में अपने इस फ्लैट को बेचा है। आपको बता दें कि साजिद खान को बीते दिनों रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में देखा गया था। सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने वेकेशन का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वे अपने पति जहीर इकबाल संग अमेरिका में छुट्टियां मनाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं सोनाक्षी ने इस वीडियो को शेयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों फिल्म स्त्री 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन और डायरेक्टर अमर कौशिक नजर आ रहे हैं। वह इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने दोनों का तहे दिल से धन्यवाद किया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले ही फिल्म को लेकर एक विवाद छिड़ गया है। सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी है। जी हां, और कंगना ने यह भी कहा है कि उन्हें लगातार रेप और जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। मलाइका अरोरा फिटनेस को लेकर खूब चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक नया वर्कआउट वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वे अब तक का सबसे मुश्किल वर्कआउट करती हुई नजर आ रही हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मलाइका एब्स की एक्सरसाइज कर रही हैं। वहीं कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी लगातार सुर्खियों में है। फिल्म को लेकर लगातार बैन करने की भी मांग हो रही है। इसी बीच अब फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कंगना का सपोर्ट किया है और फिल्म पर चर्चा भी की है। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार, लेखक और स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर ने कंगना की फिल्म इमरजेंसी को सपोर्ट किया है। मालूम हो कि आदि पुरुष की रिलीज के दौरान उन्हें जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लोगों को फिल्म के कई डायलॉग से दिक्कत थी, जिसकी वजह से इसका जमकर विरोध भी हुआ था। राजकुमार राव ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इसका नाम है मालिक और ये एक एक्शन मूवी होने वाली है। फिल्म से राजकुमार राव का पहला लुक भी सामने आ गया है। उनका यह लुक देखने के बाद लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम अनीता राज खूब चर्चा में बनी हुई है। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस ने जिम से अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे वर्कआउट करती हुई नजर आ रही हैं। 62 की उम्र में एक्ट्रेस की फिटनेस को देखकर अब अच्छे अच्छों के पसीने छूट रहे हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त खूब सुर्खियों में बना हुआ है। कई एक्ट्रेसेस ने इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न का सामना करने के बारे में खुलकर बात की है। वहीं अब साउथ की फेमस एक्ट्रेस राधिका सरत कुमार ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया कि वो एक बार केरल में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जब उन्हें पता चला कि वैनिटी वैन में छिपे हुए कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कपड़े बदलने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है। वहीं तीसरे शुक्रवार को फिल्म ने एनिमल और गदर 2 को भी कमाई में पछाड़ दिया है। ये फिल्म अब जल्द ही भारत में 500 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली है और वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ क्लब में एंट्री लेगी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की धूम है। अवनी लेखरा और मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। वहीं मोना अग्रवाल और प्रीति पाल ने भी भारत के लिए पदक सुरक्षित रखे हैं। इस वक्त पूरे देश में खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आलिया भट्ट ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम जब से ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जोड़ा गया है, एक्ट्रेस लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं इन सब के बीच अभिनेत्री ने हाल ही में बताया कि उन्हें भगवान पर भरोसा है और वह खूब ध्यान करती हैं, इसलिए उन्हें अपने आसपास कुछ भी होने का डर नहीं है। अभिनेत्री के इस बयान को लोग ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं।